वेलकम टू सुबल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे थे फिश। मैं आज ग्रिल फिश बनाऊंगी। मेरे चैनल पे काफ़ी सी रेसिपीज मौजूद हैं इसकी फ़िश की। एक मैंने सिंपल फ़िश भी बनाई है रिसेंटली, और अब मैं ये बना रही हूँ ग्रिल फिश। इसकी रेसिपी मैं अपना शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 3 किलो फ़िश ले लिए। और इसमें डलेगा क्या क्या, कितने इंग्रीडियंट्स जाएंगे मैं वो बताती हूँ आपको। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, तकरीबन 5 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। मिर्च इसमें जितनी अच्छी मिकदार में डले उतनी ही ये अंदर रस बस जाती है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी ली है। 1/2 टेबल स्पून नमक है। नमक आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना, जितना आपको सही लगता है। नमक कम या ज़्यादा हो सकता है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसके अलावा कसूरी मेथी जो मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है, चाट मसाला इसमें 1/2 टेबल स्पून है। ठीक है, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसके अलावा इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबकी मेरी 4 बंच लेनी है, क्योंकि हमारी फ़िश के पीस अच्छे हैं, फ़िश में ख़ास स्मेल होती है। इसमें इंग्रेडिएंट, इसमें लहसुन इसमें सही मिकदार में डाला जाता है, ताकि इसमें जो इसकी स्मेल है वो ना रहे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको बहुत ही मज़ेदार बना देता है। तो अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं फ़िश की। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूंगी और हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप कितनी देर तक छोड़ें। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बता दी है मैं वो शामिल कर रही हूँ। ये सारे हम ये शामिल कर देंगे। ठीक है, 4 बंच इसमें लहसुन के हैं, देखिए मैंने आपको दिखाया, ये शामिल कर देंगे। जो तकरीबन 4 टेबल स्पून बन रहे हैं। ठीक है, इतना सा मैं आपको उसकी मिकदार भी दिखाना चाह रही थी, ये देखिए। अब मैं इसको करती हूँ मैरिनेट, और मैं आपको मैरिनेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी फ़िश को मैंने मैरिनेट कर दिए, मसाला लगा दिए, और मसाला लगाने के बाद इसकी लुक देखें, इस तरह इससे मसाला चिपका होना चाहिए। और फिर जैसे ही मैं इसको ग्रिल करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो फ़िश है ये सेकंड डे मैं इसको लहसुन बनाने लगी हूँ, ग्रिल करने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ इसका मसाला। ये देखिए यकीनन ये खाने में बहुत लजीज होगी इंशाल्लाह। पैन को हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसको ग्रिल करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के पैन को ग्रीस किया था, और थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ने पर आप इसको हल्का सा ग्रीस करें, थोड़ा ऊपर भी इसे इसके ऑयल लगा लें हल्का सा ब्रश से या स्प्रे से। हमारी ग्रिल हो चुकी है, इसको हम सर्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही अच्छी गल गई है। हमारी फिश ग्रिल होके आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।